तो आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जो है वो यहाँ पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और हम लोग इनसे भी बातचीत तो करेंगे। बादल जी कन्फर्म में जा रहे हैं रायपुर? रायपुर सर। कब बोलिएगा सर, चुप्पी कब तोड़िएगा बादल जी, कब चुप्पी तोड़ेंगे, सवाल यही है। बादल जी विधायकों को लेने जा रहे हैं, बादल जी विधायकों को लेने जा रहे हैं, बता दीजिए, बता दीजिए, मुख मुख धारण कर लिया है, मौन धारण। बादल जी ऐसे मंत्री पद कैसे चलाइएगा, जनता को जवाब देना होगा। बता दीजिए कि विधायकों को लेने जा रहे हैं, विशेष सत्र को लेकर विधायकों को लेने जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जहाँ पर बादल पत्रलेख ने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, मगर आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी बातों को यहाँ पर ज़रूर रखा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम दोनों ही मंत्री जो हैं वो रायपुर जा रहे हैं और अपने विधायकों को लेकर के वापस आएंगे। और ये पूरी तस्वीर जो है वो यहाँ पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की है, जहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं और चीज़ बातें जो है क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। अब विशेष सत्र के बाद विशेष सत्र को लेकर ये दोनों ही मंत्री जो हैं वो रायपुर निकल रहे हैं, मगर बादल पत्रलेख ने अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ा। और यहाँ पर तो ये पूरी तस्वीरें जो है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की थी, जहाँ पर बादल पत्रलेख कृषि मंत्री उन्होंने कुछ भी यहाँ पर कहने से इनकार किया, उन्होंने अपनी चुप्पी जो है वो एक बार भी यहाँ पर नहीं तोड़ी। मगर जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा था कि हम रायपुर जा रहे हैं, हम दो मंत्री जो हैं वो रायपुर जा रहे हैं और अपने विधायकों को लेकर 5 तारीख को वापस आएंगे, चूँकि आपको बता दें कि 5 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र में कहीं ना कहीं अपना जो बहुमत है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेगी। सत्ताधारी पक्ष जो है यूपीए के जितने विधायक हैं वो सभी फिलहाल अभी रायपुर में हैं और जिसको देखते हुए एक बार फिर से यहाँ पर सभी ये जो मंत्री हैं ये अभी यहाँ से गए हैं रायपुर, तो अब विधायकों को लेकर ये वापस लौटेंगे। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।